हेलो यूपीएससी एस्पिरेंट, और कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सबकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी और लाइफ में आप कुछ ना कुछ बेहतर ज़रूर कर रहे होंगे। आज देखिए, हमारा जो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है करंट अफेयर का, और जितने नए एस्पिरेंट आते हैं ना उनके लिए खास कर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि करंट अफेयर की जो तैयारी है वो हमें कहाँ से करनी है और किस तरह करनी है, कितना पढ़ना है, कितना नहीं पढ़ना है, क्या डायमेंशन हो, क्या सेफ हो। बहुत टेंशन होती है कभी कभी। तो जो नए बच्चे होते हैं या नए स्टूडेंट होते हैं वो क्या करते हैं कि लगातार बहुत ज़्यादा करंट अफेयर के पीछे करते हैं। जैसे कि आप मान लीजिए कोई एक मैगज़ीन उठा रहे हैं तो वो लगभग 100 से 150 पेज की होती है, और आप भी जानते हैं एक महीने में 100 से 150 पेज को याद करना ना आपके लिए बहुत टफ हो जाता है। और ऐसे लगभग आप 12 महीने की मैगज़ीन, मतलब ये बहुत बड़ा एक झंझट है कह सकते हैं आप। लेकिन उसको सोल्यूशन क्या है यार उसका, है ना, इसका एग्जैक्टली सोल्यूशन क्या है कि यूपीएससी में हमें कहाँ से कितना करंट अफेयर पढ़ा जाए, आज इसी के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, करंट अफेयर का अगर आप जानना चाहते हैं ना कि यूपीएससी में करंट अफेयर कितना पढ़ना है, तो सबसे पहले यूपीएससी का जो स्टेज है ना एग्जामिनेशन का वो समझना होगा। जैसे कि सबसे पहला स्टेज हमारा क्या है, प्रीलिम्स, फिर मेंस आता है और लास्ट में इंटरव्यू आता है, और उसके बाद आप सेलेक्ट हो जाते हैं। तो प्रीलिम्स स्तर पे अगर हम बात करें तो प्रीलिम्स स्तर में जो क्वेश्चन आता है करंट अफेयर का वो बहुत ही कम है। मतलब देखा जाए एवरेजन जो क्वेश्चन आते हैं वो 8 से 10 क्वेश्चन जो प्योर करंट अफेयर पे है। लेकिन 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 जो इंटीग्रेटेड क्वेश्चन आते हैं, जैसे इकोनॉमी पार्ट हो गया, साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो गया, इन्वायरमेंट का हो गया, पॉलिटी का भी कुछ हो गया, कुछ क्वेश्चन में आप देखेंगे कि करंट अफेयर और स्टैटिक को मिक्स करके दे देता है वो, है ना। जब भी जैसे कोई पॉइंट आया दल बदल का, तो वहाँ से मान लेते हैं पॉलिटी का एक दल बदल का क्वेश्चन है, तो वहाँ पे क्या करेगा, वो दल बदल तो उठाएगा बुक से ही, लेकिन एक जो क्या करेगा ऑप्शन में एक पॉइंट आपको करंट अफेयर से जोड़ देगा। इसी तरह वो इकोनॉमिक्स में करेगा, इसी तरह वो हर सेक्शन में करते हैं। तो क्या होता है, ऐसे कुल मिला के 20 से 25 क्वेश्चन बन जाता है। लेकिन कई बार ऐसा देखा गया है कि ऐसा नहीं होता है, प्योर स्टैटिक क्वेश्चन आ जाता है, तो बहुत ज़्यादा उलझने हैं। तो हमें क्या करना है, एक इंटीग्रेटेड पढ़ाई लेके चलनी है प्रीलिम्स में। लेके जो मेरा आज तक का एक्सपीरियंस रहा है उसमें यही है कि हमें स्टैटिक पोर्शन पे ज़्यादा फोकस करना है, करंट अफेयर पे जैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक्स और थोड़ा सा इन्वायरमेंट के इश्यूज़ क्या चल रहे हैं, गवर्नमेंट बॉडी क्या है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस क्या बात कर रहे हैं इसके बारे में, और पॉलिटी पे क्या कर सकते हैं आप थोड़ा रिलाय कम कर सकते हैं क्योंकि वहाँ पे करंट अफेयर का उतना ज़्यादा रोल नहीं है, लेकिन और सभी सेगमेंट में करंट अफेयर का रोल आता है। तो बिना करंट अफेयर के आईएएस बना जा सकता है कि नहीं, ये जो पॉइंट है ये कैसा लगा आपको, तो मैं पहले ये समझा रहा हूँ फिर अंत में समझेंगे कि एग्जैक्टली क्या है ये, ठीक। तो अभी क्या कर रहे हैं हम लोग, पूरा पैटर्न समझ रहे हैं कि करंट अफेयर का कितना रोल है। तो आप मान लीजिए 20 से 25 क्वेश्चन आपको ऐसे मिलते हैं जहाँ पर दोनों पार्ट आपको मिलेगा। तो प्रीलिम्स की बात हो गई, आइए मेंस की बात करते हैं। मेंस में जो पहला हमारा जीएस पेपर वन है, देखिए जीएस पेपर वन में जो सोसाइटी का रोल है, सोसाइटी में आप जानते हैं आजकल जितनी घटनाएं घट रही हैं वो उन्हीं घटनाओं से क्वेश्चन पूछ लेता है। नहीं तो जो इनका 10 साल का पेपर अगर वो उठाएंगे तो देखेंगे कई सारे क्वेश्चन को उन्होंने बस बात घुमा के सेम क्वेश्चन पूछा है। तो क्या करना होता है, करंट के मुद्दे जोड़ना इंपॉर्टेंट होता है, कुछ एग्जाम्पल्स जोड़ना इंपॉर्टेंट होता है, बस इतना ही है। और ज्योग्राफी सेक्शन की बात करें तो ज्योग्राफी सेक्शन में जो करंट अफेयर आ रहा है उसमें सीधा सीधा आपसे पूछ लिया जाएगा कि साउथ अफ्रीका के संसाधन को भारत कैसे उपयोग कर सकता है, है ना। अब आप सोचिए साउथ अफ्रीका के बारे में आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि वहाँ पे करंट सिनेरियो क्या चल रहा है, ठीक। उसके बाद अगर बात किया जाए कि अटलांटिक महासागर हो गया या आर्कटिक एरिया हो गया, तो या साउथ चाइना सी हो गया, प्रशांत महासागर हो गया, यहाँ पे क्या रिसोर्सेज हैं, करंट अफेयर में क्या क्या मुद्दे चल रहे हैं, इनके बारे में आपको थोड़ा बहुत जानना चाहिए, है ना दोस्तों। तो अगर आप इतना जान लेते हैं तो बेहतर होगा। उसके बाद आता है पेपर GS2, क्योंकि GS पेपर वन में सिर्फ 2 सेगमेंट हैं, सोसाइटी और ज्योग्राफी, जिसमें करंट अफेयर का थोड़ा रोल है, और जो ऊपर का सेक्शन है जिसमें वर्ल्ड ज्योग्राफी हो गया और उसके बाद जो आपका आर्ट एंड कल्चर है, मॉडर्न हिस्ट्री है, यहाँ से करंट अफेयर्स को उतना ज़्यादा रिलेशन होता नहीं है। GS पेपर टू में बात करें तो गवर्नेंस है, पॉलिटी का काफ़ी सेक्शन है, IR है, आप जानते हैं हेल्थ इश्यूज़ पे क्वेश्चन है, गरीबी और इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और गवर्नमेंट का रोल मॉडल क्या है या गवर्नमेंट का गवर्नेंस का इसमें मॉडल कैसे चल रहा है, सीधा इस पर क्वेश्चन पूछता है। अब आप सोचिए, आप
कब हैं, 2023 का एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो 2022 में गवर्नमेंट का क्या मॉड्यूल रहा, 2021 में क्या रहा, 2020 में क्या रहा, और जो नई गवर्नमेंट चल रही है, जैसे इसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो उसका क्या मोटिव है, क्या वो चल रहा है, तो हमें क्या करना पड़ता है, उस अकॉर्डिंग थोड़ी सी तैयारी करनी पड़ती है गवर्नेंस के केस में, तो उसकी क्या क्या पॉलिसीज आ रही हैं। तो आप क्या करेंगे, ऐसे ही चीज़ों को, टॉपिक को उठाना है हमें। पॉलिटी पढ़ेंगे तो पॉलिटी में हम गवर्नेंस पे ज़्यादा ध्यान देंगे, ठीक है। उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट के नए नए डिसीजंस आ रहे हैं, वो डिसीजंस हम किस क्वेश्चन में कैसे पुट कर सकते हैं, वो जब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठाएंगे ना, तब आपको पता चलेगा। पॉलिटी का भी जो क्वेश्चन आ रहे हैं आजकल, वो पूरा स्टैटिक और करंट अफेयर बेस ही आ रहे हैं पेपर टू में, ठीक। तो आपको क्या करना है, इस टाइप से आपको भी अपना करंट अफेयर्स वहाँ देखना है कि जैसे IR आ गया, इंटरनेशनल रिलेशन। अब इंटरनेशनल रिलेशन में अगर आप देखेंगे ध्यान से, तो ज़्यादातर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में क्वेश्चन पूछ लेता है, हर साल एक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में उम्मीद रहती है आ जाए, या फिर अमेरिका के साथ भारत के संबंध, या जो भी करंट कंट्री हैं उनके साथ ज़्यादा मुद्दे भारत के चल रहे हैं, तो वहाँ से सीधा क्वेश्चन पूछ लेता है। तो हमें क्या करना है, करंट रेशियो में क्या क्या मैटर चल रहा है, भारत के संबंध कैसे चल रहे हैं, और जहाँ पर ये देखा जाएगा कि भारत का जो मिलन है वो बहुत ज़्यादा किसी देश से हो रहा है, उसकी तैयारी करना है। वर्ल्ड में कोई क्राइसिस चल रहा है या कुछ भी चल रहा है, उस पर नज़र बना के रखनी है, ये हो गया। और हेल्थ पे जो क्वेश्चन आते हैं पेपर टू में, तो हमें हेल्थ पे भी क्या करना है, थोड़ी सी बातें करंट अफेयर में जान के रखनी है कि क्या क्या चीज़ें चल रही हैं, ठीक। ये पेपर टू की बात होगी, इससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। हम एक दिन लेकर आएंगे कि पेपर वन, पेपर टू और पेपर थ्री में करंट अफेयर कैसे तैयार किया जाए बहुत अच्छे से, ठीक। तीसरा जो सेगमेंट आता है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि करंट अफेयर का सबसे ज़्यादा मसाला आपको यहीं मिलेगा, जो है आपका इकोनॉमिक्स, इन्वायरमेंट और साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये तीन बेसिक चीज़ें हैं जो यहाँ आपसे पूछा जाता है, और चौथा है एग्रीकल्चर। अब ये चार पार्ट्स में क्या करना होता है, सबसे पहले क्या हो गया आपका इकोनॉमिक्स। अब इकोनॉमिक्स में क्या करेगा ना, जो भी अभी खास मुद्दे चल रहे हैं, जैसे बजट का कुछ आ गया, या इकोनॉमिक्स में कोई बजट में उन्होंने कुछ स्कीम पेश की है, तो वो सीधा स्कीम पे ही क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो क्या करना होगा आपको, ये चीज़ें आपको देखना है कि क्या क्या सरकार का चल रहा है। जैसे नीति आयोग का कोई एजेंडा आया, या कोई जो है नीति आयोग ने क्या किया, कुछ पब्लिश किया या कोई रिपोर्ट दी है, तो उस रिपोर्ट पे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इकोनॉमिक्स भी हमें ऐसे ही तैयार करना है। एग्रीकल्चर उसी का पार्ट हो जाता है, इसीलिए एग्रीकल्चर पर भी ध्यान देना है कि सरकार, जैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है 2022 में टारगेट था कि किसानों की आय दुगना करने का, तो सरकार कर पाई कि नहीं कर पाई, क्यों नहीं कर पाई, क्या मुद्दे हैं क्या नहीं है, ये सब आपको तैयार करने हैं। वो सब करंट अफेयर से मिलेगा कि सरकार क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है, ठीक। अगली बात आती है साइंस एंड टेक्नोलॉजी की, तो वो सीधा क्या करेगा, स्टैटिक और करंट दोनों मिक्स करके ही पूछेंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि करंट अफेयर का जो इम्पोर्टेंस है वो UPSC में मेंस के पर्पज से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और आप ये समझ लीजिए, मैंने सिर्फ पेपर 1, 2 और 3 की बात की, अगर 4 में देखा जाए तो 4 में तो आपको करंट के ढेर सारे एग्जाम्पल देने ही पड़ते हैं, बिना उसके आपको नंबर नहीं मिलेगा। तो पेपर 4 जो हमारा एथिक्स का है, उसमें भी आपको करंट अफेयर की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद अगर आपने ऑप्शनल में PSIR या कोई ऐसा ऑप्शनल ले लिया है जहाँ पे करंट अफेयर की ज़रूरत पड़ती है, तो आपको पढ़ना ही है। तो अगर अंत में एक कंक्लूज़न निकाला जाए कि क्या करंट अफेयर के बिना IAS बन सकते हैं, तो मैं यही कहूँगा, प्लीज़ ऐसा सोचना भी मत, और करंट अफेयर्स को लेके अपना एक सिनेरियो, एक फ्रेम बनाइए, मुझे इसी के अंतर्गत रह के ऐसे तैयारी करनी है, तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छा कर पाएंगे। और बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है कि एकदम स्लीपिंग मोड में जाके करंट अफेयर तैयारी कर रहे हैं, या बहुत ज़्यादा उत्साहित होकर सिर्फ करंट अफेयर पढ़ रहे हैं, तब भी आपको नुकसान होगा। तो एक बैलेंस अप्रोच लेके करंट अफेयर की तैयारी करना है, ठीक है। अगर कोई बात है आप करंट हमें क्या कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और अपना एक टेलीग्राम चैनल है जो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, उसको ज्वाइन कर लीजिए। और जल्द ही मैं एक करंट अफेयर पे वीडियो लाऊंगा कि कहाँ से पेपर 1 के लिए, पेपर 2 के लिए और पेपर 3 के लिए आप करंट अफेयर कर सकते हैं, मंथली मैगजीन कितना बेनिफिशियल होती है, और अगर मंथली मैगजीन आप नहीं पढ़ना चाहते हैं तो खुद से कैसे तैयार कर सकते हैं, वो मैं कैसे कर रहा हूँ, ये सब चीज़ें हम लोग एक नए वीडियो में, नहीं तो बहुत लंबा वीडियो हो जाता है, ठीक है, इसलिए 10 ही मिनट तक का रखेंगे। चलिए ठीक है, इसके आगे अगर कोई बात होती है दोस्तों तो बताइएगा, और कोई आप बस लगे रहिए, अपनी पढ़ाई करते रहिए। अगर नए हैं तो स्टैटिक पोर्शन पे पूरा फोकस कीजिए, करंट को थोड़ा थोड़ा देखते जाइए क्या क्या मुद्दे चल रहे हैं भारत सरकार के, ठीक है।
ठीक है, बस यही सब देखते जाइए, और क्या मुद्दा आएगा हम बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे, और विश्वास करिए उतना करने के बाद आपको काफ़ी रिलैक्स मिलेगा, वो वीडियो हम लोग जल्द आएंगे। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। चैनल अगर वीडियो पसंद आया हो तो क्या करेंगे, लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ़ यू।